प्रेग्नेंट हैं और आपके हाथ पैरों में बहुत जलन रहती है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बेचैनी, घबराहट होती रहती है, कई बार पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, यही नहीं ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन आज के वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइए हम जानते हैं कि आज हम किस अमेजिंग चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हीट रहती है क्योंकि हार्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं, तो वो हार्मोन्स आपके बॉडी में हीट क्रिएट करते हैं। आपने कई बार देखा प्रेग्नेंट महिला को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत से इरिटेट हो जाती हैं, तो ये सारे चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि बॉडी में हीट रहती है। इसके अलावा इस गर्मी का असर उनके डाइजेशन पर भी पड़ता है, गैस जल्दी बनती है, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पसीना बहुत आना, कई महिलाओं को पसीना बहुत आता है प्रेगनेंसी में, वो भी ठीक हो सकता है इस रेमेडी से। कई महिलाओं को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक से सो नहीं पा रही, तो उसमें भी उन्हें आराम मिलेगा, ये रेमेडी कुछ इस तरीके की है। घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है? जी हाँ, वो आपके घर में है, आप उससे परिचित हैं और बहुत ही सरल चीज़ है जो कि इंस्टेंट है, आपको बस उसको यूज़ करना होता है डायरेक्टली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलकंद की। गुलकंद जो होता है गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है और ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है और इसे आप घर में भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जिन महिलाओं को शुगर की प्रॉब्लम है, ओबेस हैं या फिर डॉक्टर ने कुछ परहेज बताया मीठे को लेकर, वो इसका प्रयोग ना करें, लेकिन बाकी सभी महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। शरीर को शीतल और शांत करता है, ठंडक देता है आपके शरीर को, गैस की प्रॉब्लम को खत्म करता है, पसीने का जो मेकानिज्म है, जो एक्सेसिव बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है उसको कंट्रोल करता है, जो घबराहट बेचैनी का प्रॉब्लम होता है उसमें आपको अंदर से कूल बना देता है। तो एक चम्मच गुलकंद आप नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है बजाय कि आप डायबिटिक हो। तो गुलकंद तो समझ लिया कि खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में फायदेमंद है, बट कैसे खाएं? कई लोग कई तरीके बताते हैं। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम नहीं होती, आप दूध ले रहे हैं, तो आप गुलकंद को दूध में मिला के ले सकते हैं। चाहें तो आप उबालें, ना चाहें तो आप गुनगुने दूध में या ठंडे दूध में उसको ऐड करके मौसम के अकॉर्डिंग जैसा भी आप लेते हैं ले सकते हैं। गुलकंद को किसी चीज़ में नहीं खाना है और आप बैठे हैं, आपके पास में गुलकंद का डब्बा है, तो आप डायरेक्टली भी उसको खा सकते हैं पानी के साथ में। कई बार कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है प्रेगनेंसी में कि रूटीन से हट के कुछ अलग खाया जाए, तो ब्रेड पर या पराठे पर या चपाती पर आप गुलकंद को एज अ बटर स्प्रेड की तरह से यूज करके भी खा सकते हैं, वो भी एक बड़ा टेस्टी ऑप्शन होगा। गुलकंद बॉडी को इतने अच्छे से डिटॉक्स करता है कि स्किन ग्लोइंग हो जाती है, जैसे कहते हैं कि गन्ने का रस पीने से खून साफ होता है, उसी तरह गुलकंद भी खून साफ करता है और एक्ने की प्रॉब्लम दूर होती है, स्किन में एक ग्लो आता है, चमक आती है। ये नेचुरल प्योरीफायर होता है, जैसे कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए हम आरो लगाते हैं, उसी तरीके से कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, गुलकंद उसमें से एक है, नेचुरल प्योरीफायर है, आपकी स्किन को सुंदर बनाने के लिए भी आपने की मदद करता है। तो गुलकंद को आप चाहे जैसे खाएं, लेकिन एक चम्मच अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मजा आ जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप नियमित करें। उम्मीद करती हूँ ये ढेर सारी सहेलियाँ जो इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वो किसी डाउट में थी कि ये गुलकंद खाएं या ना खाएं, तो अब वो निश्चिंत हो गई होगी, अब वो आराम से इसका आनंद उठा सकती हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।